हेलो गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का ये एक पार्ट है जिसको बोलते हैं वर्ब। तो वर्ब ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, बट आज मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। वर्ब जो होते हैं उनको हम किस तरह से, नंबर ऑफ द वर्ब्स, टाइटल भी लिखा है हमारा नंबर ऑफ द वर्ब्स, यानी जो वर्ब्स होती हैं उनको हम मीन्स सिंगुलर कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो वर्ब्स होती हैं वो 90% अपने आप में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं? प्लूरल। और जो नाउन होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर, उनको हम प्लूरल बनाते हैं। तो बट यहाँ पे एक उल्टा है, यहाँ पे क्या, जो वर्ब होती है वो 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, बहुवचन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, रन, बॉयज रन, दे प्ले, डांस एंड ईट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रन क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, प्ले प्लूरल वर्ब है, डांस प्लूरल वर्ब है, ईट, तो आप देख सकते हैं ईट, डांस, प्ले, रन, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, बहुवचन, राइट। बट कुछ वर्ब्स अपने आप में क्या होती हैं, सिंगल, यानी सिंगुलर होती है। कुछ वर्ब्स अपने आप में क्या होती हैं, सिंगुलर, जो भी मैं आपको बताता हूँ। बट पहले मैं वो क्लियर करता हूँ कि कुछ वर्ब्स हैं जो प्लूरल हैं उनको हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने टाइटल भी लिख रखा है, प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाना, यानी कि जो प्लूरल वर्ब है, यानी कि प्ले, रन, डांस, इनको हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे। बट इससे पहले एक रूल है, नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है, यानी जो नाउन होता है उसमें हम जब एस या ई एस जोड़ते हैं, यानी कि नाउन में एस या ई एस जोड़ने से उसका प्लूरल बनता है। बट यहाँ पे उल्टा है, जब आप किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो उसका सिंगुलर बनेगा। जैसे बॉय प्लस एस बॉयस, तो नाउन का प्लूरल बन गया। बॉक्स प्लस ई एस बॉक्सेस, यानी कि किसी नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लूरल बन जाता है। बट यहाँ पे उल्टा है कि जब भी आप किसी एक्शन में या वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगी, जैसे मैंने लिखा है, लेकिन वर्ब में एस या ई एस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है। जैसे टेक, अपने आप में क्या ऑलरेडी प्लूरल है, अगर इसमें एस जोड़ दिया टेक्स। जैसे एक सेंटेंस आप कई बार बोलते हो, ही टेक्स, ही टेक्स, वो लेता है, ठीक है, ही टेक्स। तो यहाँ पे टेक्स क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर हो गई, और टेक अपने आप में क्या, प्लूरल है। तो जब भी किसी वर्ब में आपको ऐसे यस जोड़ना पड़ जाए, किसी वर्ब में, एक्शन में, क्रिया में, तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है, सिंगुलर यानी कि एक बचन, राइट। जैसे प्ले प्लस एस प्लेस, गो प्लस ई एस बराबर गोस। तो आपको पता लग गया कि 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्लूरल, और उसका जब आपको सिंगुलर बनाना हो एक बचन तो एस या ई एस बनाते हैं। बट कुछ वर्ब अपने आप में क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं, कुछ वर्ब, और कुछ वर्ब्स अपने आप में प्लूरल होती हैं, बट 100 में से 90%। तो चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, टेबल मीन्स वर्ब्स, नंबर ऑफ द वर्ब्स, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, उनको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। बट कुछ वर्ब्स अपने आप में सिंगुलर ही रहेंगी, कुछ वर्ब्स अपने आप में प्लूरल ही रहेंगी, उनमें आप एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। जैसे इज अपने आप में सिंगुलर ही रहेगा जिसका प्लूरल है आर, एम अपने आप में सिंगुलर ही रहेगा जिसका प्लूरल है आर, वॉज एंड वर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, एम है, वॉज एंड हैज, आर वर हैव। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर ही रहेगा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका प्लूरल रहेगा, आप उनको एस या एस चेंज नहीं कर सकते हैं। वो पत्थर की लकीर है, यानी लक्ष्मण की रेखा है, कि इज अपने आप में सिंगुलर ही रहेगा, एम अपने आप में सिंगुलर ही रहेगा, वॉज अपने आप में सिंगुलर रहेगा, हैज एंड प्लूरल आर, आर वर हैव। तो मैं आपको माय डियर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में प्लूरल होती हैं, जिनका हम एस या ई एस बना के सिंगुलर वर्ब बना सकते हैं, जो भी मैंने आपको बताया। बट कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि वो सिंगुलर में भी काम करेंगी और प्लूरल में भी, उनका सेम होता है। जैसे मान कर चलो, मैं आपको कुछ सेंटेंस बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, ही टुक फूड, यानी कि ही टुक फूड। अब यहां पर टुक क्या है, यानी ही का सुना, तो यहां पे हमारा क्या बन गया, सिंगुलर आ
अगर मैं बात करूं तो यहां पे है, यानी टुक हमारा क्या हो गया, सिमिलर वर्ब हो गया। अगर मैं इसी को बोल दूं दे टुक, तो यानी कि मतलब है कि यह हमारा क्या हो गया प्लूरल, ये हमारा प्लूरल हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टुक यहां पे सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहा है और टुक यहां पे प्लूरल के लिए भी यूज हो रहा है, ठीक है। यानी टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। अब देखो ध्यान से सुनो, माय डियर मैं जो बोलना हूं आई विल, ही विल, तो अगर आप बोल रहे हैं आई विल कम, ही विल कम, तो देखो माय डियर यहां पे विल आई के साथ लग रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया सिंगुलर, ही के साथ लग रहा है तो विल क्या हो गया सिंगुलर वो। अगर हम बात करें यहां पे हमारा ये जो विल है, ये हमारा जो विल है वो उसका किसका काम कर रहा है, सिंगुलर का काम कर रहा है, राइट। अगर इसी पे यहां पे मैं बोल दूं, मान के चलो ये सेंटेंस दे विल कम, तो देखो फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ वर्ब्स सिंगुलर भी होती है, कुछ वर्ब्स प्लूरल, यानी कि एक ही वर्ब होगी यानी विल, विल कहीं ना कहीं सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकती है और प्लूरल के साथ भी यूज हो सकती है। जैसे डिड सिंगुलर के साथ भी यूज हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, हैड एच ए डी। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो सिंगुलर भी होती हैं और प्लूरल भी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया विल टेक की सेकंड फॉर्म टुक है, ठीक है। और मान के चलो, और मैं आपको डेमो देता हूं, जैसे मान के चलो आपको यूज करना हो हैड, जैसे आई हैड गॉन, क्या बोल दिया मैंने, आई हैड गॉन, वी हैड गॉन, वी हैड गॉन। तो देखो यहां पे हैड सिंगुलर वर्ब भी है और हैड एक प्लूरल वर्ब भी है, तो कहीं ना कहीं हैड सिंगुलर के साथ भी यूज हो रहा है, प्लूरल के साथ भी यूज हो रहा है। तो यहां पे हमारा जो कहीं ना कहीं इसका आंसर निकल के आता है कि जो वर्ब्स 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं उनका प्लूरल से हम सिंगुलर बनाते हैं, यानी कि 100 में से 90% जो वर्ब्स होती हैं वो अपने आप में ही क्या होती हैं प्लूरल, हाँ प्लूरल होती है, क्या होती है प्लूरल, उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस लगाते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे ये सिंगुलर ही रहेंगी एंड प्लूरल रहेंगी, यानी फिक्स हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने आप में सिंगुलर रहेंगी, कुछ वर्ब्स अपने आप में प्लूरल ही रहेंगी, उनमें आप ऐसे यस नहीं लगा सकते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में एक होती हैं बट वो सिंगुलर के साथ भी जा सकती हैं और प्लूरल के साथ भी जा सकती हैं, यानी सिंगुलर के साथ भी जा सकती हैं और प्लूरल के साथ भी जा सकती हैं। तो आज आपने सीखा नंबर ऑफ द वर्ब्स, क्या सीखा आपने नंबर ऑफ द वर्ब्स, यानी कि जो वर्ब्स हैं एक्शन है क्रिया उसको हम बहुवचन से एक वचन कैसे बनाते हैं, ठीक है माय डियर, क्योंकि 90% वो अपने आप में जो वर्ब्स होती हैं वो बहुवचन मींस प्लूरल होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय एंड टेक केयर।